भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो गई। रेजिडेंट्स अपने घर पहुंचकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह रेजिडेंट्स का हाल जानने पहुंचे। एमराल्ड कोर्ट व एटीएस सोसाइटी में रेजिडेंट से मिलने पहुंचे। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह आरडब्ल्यूए समिति से भी बातचीत की। प्रक्रिया चल रही है रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी, वो लगभग युद्ध स्तर पे ही इस समय कार्य हो रहा है। दोनों जगह 60-70% लोग वापस आ चुके हैं। एटीएस में यहाँ पर जो पैरीमीटर है वो पैरीमीटर बाउंड्री लगभग 10 से 11 मीटर के बीच में ऐसी है जो ब्रीच हुई है। उसको भी अभी हम लोगों ने जाकर देखा और एडिफेंस की टीम भी यहाँ हमारे साथ है, वो इसको बहुत शीघ्र ही इसको रेस्टोर करा देते हैं। प्लस उसके अलावा कुछ छोटे से कुछ विंडो पेन्स हैं जहाँ पे विंडो पेन्स में क्रैक हुए हैं, कुछ हाउसेज हैं ऐसे जहाँ पे विंडो पेन्स क्रैक हुई हैं, उन विंडो पेन्स को भी बहुत जल्दी ठीक करा देते हैं।